पनार आदमखोर तेंदुए की कहानी उत्तराखंड के पनार क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ये घटना 20वीं सदी की शुरुआत की है, जब यह तेंदुआ लगभग 400 से ज़्यादा लोगों को मारने के लिए कुख्यात हो गया था। इस तेंदुए का आतंक इतना बढ़ गया था कि लोग दिन के उजाले में भी घर से बाहर निकलने से डरने लगे थे। तेंदुए के आदमखोर बनने के पीछे मुख्य कारण ये माना जाता है कि वह घायल हो गया था, जिससे वह अपने सामान्य शिकार को पकड़ने में असमर्थ हो गया था और इस कारण उसने इंसानों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। पनार का यह तेंदुआ बहुत चालाक और खतरनाक था, जिसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। इस तेंदुए को मारने के लिए प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट को बुलाया गया। जिम कॉर्बेट इस तेंदुए को मारने के लिए कई दिनों तक जंगलों में घूमे। कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार बच निकलता। लेकिन आखिरकार जिम कॉर्बेट ने अपनी सूझबूझ और शिकार कौशल का इस्तेमाल करके इस तेंदुए को मार गिराया।